मुश्किल में है महाराज और बुरे फंसे हैं तेनालीरामा। आखिर महाराज ने तेनालीरामा को तथा चारी के इशारों पर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सौंपी है, जिम्मेदारी है एक सिंदूर पट से दो दो महारानियों को खुश करने की। हम समस्या में पड़े हैं, हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान आप हमारे लिए। और याद है, दोनों में से कोई भी ना तो रुष्ट ना क्रोधित होनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी रुष्ट हुआ तो हम रुष्ट हो जाएंगे। आप तो कोई द्वेष कलेश ना हो, इसका पूरा उत्तरदायित्व आपके केवल आपके कंधों पर। तेनाली रामा ने महाराज के आदेश पर ये जिम्मेदारी तो स्वीकार कर ली है। आपकी समस्या का हल मिल गया महाराज, इसलिए सच मतलब अब दोनों रानियां रुष्ट नहीं होंगी, हम बच जाएंगे। हम बच गए महाराज। और महाराज ने भी महारानी को खुश करने का अपना दांव चल दिया है। महारानी भी महाराज की सदा पर फिदा हैं, लेकिन महारानी का एक सवाल महाराज पर पड़ गया है भारी। कितनी सौभाग्यशाली जो हमें आप जैसा प्रेम करने वाला पति परंतु यदि ऐसा ही था तो आप ये सिंदूर पट हमें पहले भी दे सकते थे। इसका दायित्व रामा विष्णु को सौंपने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यहाँ भी तेनाली रामा ने मामले को संभाल लिया है। हाँ, वो बड़ी महारानी जी, महाराज ने ये दायित्व मुझे इसलिए दिया क्योंकि महाराज केवल ये जानना चाहते थे कि हमें मतलब अर्थात मुझे मुझे छोटे बड़े में अंतर करने का बोध है भी या नहीं। बस वो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। आप अपनी परीक्षा में 100 में से 100 अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं रामकृष्णा, बधाई। अब आप सोचेंगे कि मामला तो संभल गया, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मामला महिलाओं को खुश करने का जो है, और वो महिलाएं तो आखिर महारानी ठहरी। अब जरा सुनिए कि महाराज क्या फरमा रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एक चीज है जो दोनों रानी को चाहिए, तो हमने कुछ झोल जुगाड़ किया, हमने मतलब रामा ने किया, रामा ने बोला कि दोनों को एक एक दे दो नकली। और मैं ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि मेरे घर में दो औरतें हैं, एक माँ और बीवी, तो उन दोनों के बीच में पड़ा रहता हूँ हमेशा, उनके झगड़े सॉल्व करता रहता हूँ, तो यहाँ पर भी ये झगड़ा सॉल्व कर दूंगा। सारे फसाद की जड़ हैं तथा चारे, जो तेनाली को फंसाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। इससे भी वो बच के निकल आएगा, ऐसी तिकड़म लड़ाएगा, ऐसा दिमाग लड़ाएगा कि यहाँ भी वो चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है तथा चारे और तेनालीरामा के बीच में, उसमें इस बार भी जीत तेनालीरामा की ही होगी ऐसा लगता है। लेकिन तथाचार्य तो फिर तथाचार्य, वो गेम खेलेगा कुछ और, अब वो क्या गेम है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो तो मैं अपने प्रिय दर्शकों से यही कहूंगा कि वो गेम आप एपिसोड में देखिए तो बहुत मजा आएगा। अब इस मुश्किल से तेनाली रामा कैसे निपटते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।